दोस्तों, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं और आपके यूट्यूब के वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है, और जब आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर जाके ओपन कर रहे हैं, एनालिटिक्स पे क्लिक करके जाके देख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का आपको एक एरर मैसेज यानी एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा, जो कि लिखा है नॉट एनफ डाटा टू शो दिस रिपोर्ट, या फिर दोस्तों इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिल सकता है नथिंग टू शो फॉर दिस डेट्स। अब ये जो ऑप्शन है, ये जो चीज लिखा हुआ ना, आपके भी चैनल पे लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, एक जगह पे, दो जगह पे, या बहुत सारी जगह पे आपके IT स्टूडियो के एनालिटिक्स में लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। अब जिसके जिसके चैनल पे ये लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे कि नॉट एनफ डाटा टू शो दिस रिपोर्ट, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि मेरे चैनल पे ऐसा क्यों शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी आज की इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखेंगे तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके चैनल पे ऐसा ऑप्शन नॉट एनफ डाटा टू शो दिस रिपोर्ट क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या सोल्यूशन है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों मिलेगी यहाँ पे हर खबर डंके की चोट पर। दोस्तों सबसे पहले YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ही ओपन कर लेता हूं, और यहां पर सीधे मैं क्या करता हूं, ये चैनल है एक डमी के रूप में, मैं एनालिटिक्स में ही चला जाता हूं, ठीक है। अब इस पे जाने के बाद दोस्तों देखिए, इस चैनल पे भी इस तरीके का लिखा हुआ देखने को मिला है, नॉट एनफ डाटा टू शो दिस रिपोर्ट, ठीक है। अगर मैं व्यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं तो भी दोस्तों यहां पर देखिए लिखा है नॉट एनफ डाटा टू शो दिस रिपोर्ट, ठीक है। अब इसको मैं बैक कर देता हूं, अगर कंटेंट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूं, ठीक है, कंटेंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों देखिए यहां पे लिखा है नॉट एनफ डाटा टू शो दिस रिपोर्ट, नथिंग टू शो दिस डेट्स। अगर मैं इसके बाद ऑडियंस पे चला जाता हूं तो भी दोस्तों यहां पे देखिए लिखा है नथिंग टू शो दिस डेट्स, नथिंग टू शो दिस डेट्स, इस तरीके से लिखा है। और नीचे आने के बाद यहां पे भी लिखा है नॉट एनफ डाटा टू शो दिस रिपोर्ट। आखिर ये क्यों शो हो रहा है? तो दोस्तों ये एक दो वजह से नहीं, पूरे तीन वजह से आपके यूट्यूब चैनल के पे ये शो करता है। सबसे पहला रीजन इसको समझिए दोस्तों, ये जो सबसे पहला रीजन ये है कि आप लोग ना अपने यूट्यूब चैनल पर ना वीडियोज अपलोड नहीं करते होंगे, या आपने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत कम वीडियो अपलोड करके रखा होगा, इसलिए ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है कि दोस्तों आपने अपने चैनल पे वीडियो तो अपलोड करके रखा होगा, लेकिन आपके वीडियोज पे कोई व्यूज नहीं आ रहे होंगे, और हो सकता है कि वीडियो आपकी एक दो वायरल भी होगी, पहले व्यूज आए थे अब नहीं आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि दोस्तों आपकी वीडियो वो वायरल होने के बाद भी अब 28 दिन के अंदर आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, तो ये कई सारी वजह से डिपेंड करता है, इसलिए आपके YT स्टूडियो के अंदर एनालिटिक्स में ऐसा ऑप्शन शो होता है। दोस्तों देखिए, जब आप अपने YouTube चैनल पे रेगुलर काम करते हैं, वीडियोज पे वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, तो आपके वीडियो पर व्यूज आते हैं, तो आपका व्यूज भी बढ़ता है, वॉच टाइम बढ़ता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ता है, चैनल ग्रो होता है, तो सब कुछ उसका एनालिटिक्स डाटा आपका ना आपके YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर यूट्यूब शो करता है कि जैसे कि आपके 48 घंटे के अंदर इतना वॉच टाइम मिल रहा है, या फिर आपका चैनल ऐसा ग्रो हो रहा है, आपकी ऑडियंस कहाँ से देख रही है, किस एज की देख रही है, ठीक है। तो ये सारा डाटा कहाँ से होता है? आपके YT स्टूडियो के अंदर। और कब से होता है? जब आपके वीडियो पे व्यूज आ रहे होते हैं, आपका चैनल ग्रो हो रहा था। लेकिन जब आप वीडियो ही नहीं डालेंगे, आपके चैनल पे भी या तो वीडियोज बहुत कम होगी, अगर वीडियोज होगी तो आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे होंगे पिछले 28 दिनों के अंदर, तो ये सब डाटा शो नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा होता है नथिंग टू शो फॉर दिस डेट्स, या फिर ऐसे लिखा होता है नॉट एनफ डाटा टू शो दिस रिपोर्ट, इस तरीके का ऑप्शन लिखा हुआ देखने को मिलता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि आप अपने YouTube चैनल पे प्रॉपरली रूप से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और अगर काम कर रहे हैं तो आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपके अपने YouTube चैनल पे रेगुलर काम करना होगा। जैसे दोस्तों देखिए, मैं अपने YouTube चैनल पे काम कर रहा हूं तो मेरे चैनल पे जो भी 48 घंटे के अंदर व्यूज आते हैं वो शो होता है, जो भी वॉच टाइम आता है वो शो होता है, मेरा चैनल जो भी अर्निंग होती है वो शो होता है, मेरे चैनल पे कहां से व्यूज आ रहे हैं, कौन सी एज की ऑडियंस देख रही है, और कितने ट्रैफिक आ रहा है, सब कुछ उसका एनालिटिक्स डाटा मुझे अपने YT स्टूडियो के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आपके चैनल पे जब व्यूज, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ बढ़ने लगेगा तो आपके भी चैनल पे यहाँ पे एनालिटिक्स डाटा में इस तरीके का शो होगा, फिर वहां पे ये चीज नहीं लिखा होगा कि नॉट एनफ डाटा टू शो दिस रिपोर्ट, इस तरीके का नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब तक व्यूज नहीं आएगा, आपका चैनल ग्रो नहीं होगा ना, फिर इस तरीके का चीज लिखा हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है एक जगह पे देखने को मिले, दो जगह पे देखने को मिले, जिस जगह पे देखने को मिल रहा है इसका मतलब आपके चैनल पे वो चीज इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका दोस्तों सोल्यूशन यही है कि आपको रेगुलर काम करना होगा, और रेगुलर ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा अपने YouTube वीडियोज का जो भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, उसका जो टाइटल है ना, उसका SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा, ताकि
आपकी जो वीडियो है ना हमेशा सर्च में आए, और सर्च में आएगी तो आपके वीडियो पर व्यूज आते रहेंगे, फिर आपका चैनल भी ग्रो होने लगेगा। तो YT स्टूडियो में जो भी एनालिटिक्स है प्रॉपरली रूप से सब कुछ सही से शो होने लगेगा। तो मिला जुला के दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।